أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زاده عبد الله شالشتر غازي بابا باكستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضور آقا نامدار سبب موجودات حضرت محمد مصطفى व वबारक वसम की कितनी बेटियाँ थीं ये सेगमेंट इसलिए हदिया किया किसी भी फ़िरक़े से बाला तर होकर हमारी ही किताबों में दर्ज है जब हम अपनी किताबें ही नहीं पढ़ेंगे तो जब आप अपनी किताबों के साथ अपने मज़हब को दूसरी दुनिया में जाकर या गैरों में रिप्रेजेंट करेंगे तो ना ना वहाँ कोई शिया है ना कहाँ वहाँ कोई सुन्नी है ना कोई बरेलवी है किसी मसलक से नहीं जब आप नॉन मुस्लिम्स के सामने जाते हैं तो आप उनको ये नहीं बताते कि आप अहमद ही हैं ना आप बरेलवी हैं आप पहले सुन्नत वल जमात से हैं या वहाँ भी हैं आप कोई तारुफ नहीं कराते आप सरकार का तारफ़ कराते हैं तो अगर आप खुद तदब्बुर और गौर नहीं करेंगे तो खुद दूसरे आपका मजाक उड़ाएंगे इसीलिए लिए ये सैगमेंट हदिया है के हर फिरके से बाल तर होकर इस सेगमेंट को ध्यान से अनबाइसली सुनिएगाजूर सलात वसलाम वसम की एक ही बेटी है और वो हैं हज़रत सैदा फ़ातमत ज़हरा अलैह जो हज़रत खतीजा से हैं और आपके वालिद सरकार हैं हज़रत खतीजा के वालदे ख़ायल्द बिनते असद और फातमा बिनते ज़ायदा ये शजरा बीबी सैदा का है वालदा से और वालद से तो हैं ही ज़ाहिर हाशमी है मुतलबी मुनाफ़ी हैं अदनानी हैं इमरानी है यानि आल यासिन ये आपकी एक ही बेटी है वो है हज़रत सैदा फ़ातमत ज़हरा सलामल जो किताबों में ज़िक्र आता है वो है हज़रत जैनब का हज़रत रुक़ का और हज़रत उम्मिक का और उनको मंसूब किया जाता है सरकार की बायोलॉजिकल बेटी की हैसियत से यानी डायरेक्ट सरकार की पहली रवाजा हजरत बीबी सयदा खतीजा सलामुल्लाह सलाम्ल से अब अगर यहां तक आपको तो अपने मिडल और किंडर गार्डन से ही पढ़ाया गया है और बचपन से जो घुट्टी पिला दी गई है क्योंकि बनुमैया के दौर में जितनी लोगों के मुंह अशरफियां भर कर जहाँ जहाँ तक वो मैकेनिकली, टेक्निकली उनको ज़ोर और धोस ज़बरदस्ती की बुनियाद पर लिखवा सके घड़वा सके खिलाफ अहल बैद के उन्होंने खूब कोशिशें की, लेकिन यहाँ आकर भी उन्होंने जो टेक्निकल और मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल मिस्टेक की है ना वो जीनीलॉजी में और बायोलॉजिकली जाकर वो ख़ुद फंस गए अब अगर आप गौर से देखें तो आपको इसमें किसी फ़िरक़े की ज़रूरत नहीं है एक सिंपल मैथमेटिक्स की ज़रूरत है अगर आपको सारे फ़िरक़ों से बाल तर होकर यह पता होगा कि हज़ूर तमाम व वसलम का अकद मुबारक निका हुआ है पहली जोजा सैदा ख़तीजतुल्कुब्रा सलाम्ह से एट द एज ऑफ ट्वेंटी फ़ाइव जब सरकार की उम्र ज़ाहिरी पच्चीस बरस की थी सरकार को नबूत हुई है चालीस बरस में हमारा यह अकीदा है कि सरकार ज़हूर के वक्त ही से नबी थे उसका एक फोरम उसका एक ऐलान उसका एक प्रॉपरली एक्सपोजर क़ुरान के आने के बाद उसकी एक ताजीमन अल्लाह ने उसके ऐलान का एक फ्रेमवर्क के साथ वक्त मुन रखा था बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह अली पैदा होने के साथ ही अली अब नबी तालिब थे मौलूदे कहाबा थे इसी तरह सरकार की आमद के साथ ही हमारा अकीदा है एक मोमिन का एक आशिक रसूल का एक आशिक अहल बैग का यहदा है कि सरकार वसलाम वसल्लम अपने ज़हूर के साथ ही आप नबी थे सिर्फ आपके ऐलान का एक वक्त अल्लाह पाक ने मुकर्र किया हुआ था वो जब हाकर होना है देखे ना नबी भी तो एक लाख चौबीस हज़ार अम्बिया को अल्लाह पाक ने इंतज़ार कराया सरकार के लिए तो जब एक लाख चौबीस हज़ार को अल्लाह पाक इंतज़ार करा सकता है सरकार के लिए तो क्या अल्लाह पाक विलादत ज़हूर के वक्त वो नबी नहीं होंगे क्या तज़ीम में कोई कमी आ जाती है बल्कि अल्लाह पाक की अज़मत बयान कराना चाहता है बयान फरमाना चाहता है कि वो कितना अज़ीम है तो इतना तो सबने किताबों में पढ़ा होगा कि चालीस आपको नबूत का ऐलान हुआ नाउ सबको यह ये पता है कि चार साल तक हजूर अलैहिस्सलाम के हजरत सैद खतीजा से जब आपका अख्त हुआ है तो चार साल तक औलाद नहीं थी यानी कि सरकार ट्वेंटी नाइन ईयर्स उम्र ज़ाहरी के पहुँचे तब जाकर पहले फ़र्जंद हुए हैं हज़रत कासिम और उनका विसाल हो गया और वो हजरत सैद खतीजा से दूसरे फर्जंद हुए हैं हज़रत अब्दुल्ला वो भी हजरत सैद खतीजा से और उनका भी विसाल हो गया तीसरे फ़र्जंद जिनका ज़िक्र तमाम रवायात से मिलता है वो हज़रत मारिया खुतपिया से हैं वो हज़रत सद खतीजा से नहीं हैं और उनका भी विसाल हो गया था ये तीन फर्जंदान जवजल ने सरकार को अता फरमाए और आपसे अमानत वापस ले ली गई 25 बरस सरकार की जो वेडिंग की डेट है हज़रत अबू सलाम ने खाना काबा में खुतबा निका पढ़ा सरकार के खुतबे के भी खतीब आपके चचा हैं मौला अली के वालिक अब 40 बरस में नबोत आती है सिंपल मैथमेटिक्स 25 से लेकर 40 तक का अरसा कितने बरस का है अपने आप से खुद प्लस माइनस कर लीजिए मुश्रकों से गैरों से यह प्लस माइनस ना करना पड़े उनके सामने बताएंगे तो हमारी इंसल्ट होगी हम फंस जाएंगे वो इस तरह कि ये बनते हैं पंद्रह बरस चार बरस तक सरकार के औलाद नहीं थी ट्वेंटी फाइव ईयर्स शादी से लेकर उनतीस बरस होने तक अब आप इस चार बरस को पंद्रह से सबट्रैक्ट कर दीजिए बचे कितने ग्यारह बरस अब इन ग्यारह बरस में अगर आप हजरत जैनब हज़रत रुकैया और हज़रत कुलसूम को ज़बरदस्ती नावज़ुबिल्ला बाय फोर्स एसोसिएट कर देंगे हज़रत सद खदीजा से तो ह्यूमनली स्पीकिंग किसी के सामने आप कितने शर्मिंदा होंगे कैसे बताएंगे कि इन ग्यारह बरस में ये तीनों बेटियां जवान भी हो गई शादियाँ भी हो गई और उनका इंतकाल भी हो गया और सब कुछ हमारी किताबों में दर्ज है ये ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है इन एलेवन ईयर्स वो माशाल्लाह बलूगत पर भी चली गई सरकार ने उनका निकाह भी फरमा दिया और उनका विसाल भी हो गया सरकार की एक ही बेटी है और वो क़यामत तक एक ही बायोलॉजिकल बेटी है अब ये क्या दास्तान है ये क्या सिलसिला है हाशमियों का ये भी शेवा था कि अल्लाह पाक ने इस घर को शहादत फसाहत बलागत सियादत हशमत तमकनत, जुर्रत सियादत और खिताबत के साथ इस घराना पंजतन को जो नबी का घराना है शहादत जैसे दर्जों के साथ यतीमी और यतीम होना यतीम को बड़ा करना उसके सर पे दस्त शफकत रखना भी सिखाया है हाशमियों का तो यह भी शेवा है कि वो बचपन से अबू तालिब का घराना तमाम अहल अहले हिजाज की अहल अरब के वो बच्चा जिसको कोई छोड़ जाता था खूस बेटियों को जो छोड़ दिया करते थे या दफन कर दिया करते थे वो उनकी सरपरस्ती किया करते थे उनको गोद लेकर उनको पढ़ाया उनको लिखाया उनकी शादियां करके उनको रुखत किया करते थे ये हाशमियों का शेवा था जिस वक्त हज़रत सैदीजतुल्कब्र का प्रपोज़ल हजूर सलाम वसम ने हज़रत अबू तालिब तालबलम से हरम काबा में बैठ कर एक्सेप्ट किया है तो हज़रत सैदा खदीजतलकुब्राम की रिक्वेस्ट थी उन्होंने इस बात के लिए सरकार से रिक्वेस्ट फरमाई कि आपकी जेर साया तीन लड़कियां हैं हज़रत जैनब हज़रत रुकै और हज़रत उमिकलसूम और ये तीनों लड़कियां बिनते वहाफ से हैं तो इसलिए हज़रत सद खतीजा ने सरकार से रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी एहसानमंद कि अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं इनकी सरपरस्ती छोड़ नहीं सकती सरकार कहाँ मना करते हैं? उनका तो जद उनका घर ही यतीमों की सरपरस्ती का कायल है और रहा है सरकार ने उनको बतौर बेटियों के कबूल फरमा लिया नॉट बायोलॉजिकल सरपरस्ती की हैसियत से उनसे भी बढ़कर बेटी सगी बेटी से बढ़कर सरकार ने उन्हें बात उनको प्यार दिया हाशमियों से बेहतर प्यार देना बेटी और बेटों को कौन जान सकता है कौन सरपरस्ती है हाशमियों से बेहतर कर सकता है ये साहिब नसब है ये साहिब नसल हैं ये अल्लाह के नबी का घराना है जिसका जिक्र कुरान है जिसका शाहिद कुरान है तो इन बच्चियों की परवरिश सरकार के घर में हुई घर वालों से आप पूछेंगे ना आप किसी के घर वाले से गैरों से पूछ के उसको एसोसिएट या डिस एसोसिएट नहीं कर देंगे कि नहीं भाई ये उनकी औलादे ग्यारह बरस में कहा आप किस तरह एडजस्ट करेंगे तीनों बेटियों को और बीबी सईद फातमत तो सलाम्लै को और सरकार के तीनों फर्जंदान को हज़रत कासिम हज़रत अब्दुल्ला और मारिया खुतबिया से तो इब्राहिम है वो अलग चलें वो तो अलग है लेकिन आप कैसे एडजस्ट करेंगे सरकार के ती दो फर्जंदान और एक बेटी सैद फ़ातिमा तो जहरा सलाम ये कुल औलाद जो है ये हैं हजरत सैद खतीजा बिनते ख़वैल बिन असद फातमा बिनते जायदा से अब अब ये यहाँ तक अगर आपकी समझ में आ गया और अल्लाह करे समझ में आ जाए और अगर आप पर फिरकों की बेड़ी मुसलत नहीं की गई है और अगर अल्लाह ने हिदायत रखी है और आप इस फिरके की बेड़ी से फ़िरक़े की एनक उतार कर ध्यान से बात सुन रहे हैं तो आपको और भी बात आगे की भी समझ में आने लगेगी सरकार जैसी हस्ती जो बुखारी शरीफ की हमारी ही किताबों में दर्ज है कि अपनी बेटी को बाग़त हदिया किया बुखारी शरीफ की हदीस कोई इनकार तो नहीं है किताब खोल लें नहीं एग्री करना है तो क्या नाउजुबिल्ला स्तफर हाशा ला आप अपनी किताब की बेद भी करेंगे नाउजुबिल्ला उसमें से क्या ये हदीस ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे इस पर हाथ रख के छुपा देंगे ये से फाड़ेंगे बेद भी करेंगे कैसे छुपाएंगे आप बुखारी शरीफ से साबित है ना लोग तो कहते हैं कोई फिदक नहीं था कोई बाग नहीं था यहां तक कहते हैं लोग बाग़ साबित है ना सरकार ने अपनी बेटी ज़हरा सलाम अल्लाह सला को हदिया किया गिफ्ट किया उम्र जारी में भी और उसके बाद भी था ये बाद में है कि लोगों ने बीबी सैदा का हक सलब किया आपका हलक पर कब्जा किया गया आपको आपके हक़ से डिसोसीट किया गया अगर आप कि कोई और बायोलॉजिकल बेटी होती तो क्या आप जैनब रुकैया उम कुलसूम को ना देते अगर वो बायोलॉजिकल होती क्या आप सरकार से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार बीबी सैदा को तो बाग़त दें और बाकी बेटियों को कुछ ना दें अच्छा फिर गजबात के बाद जो चीज़ें आती थी जो तहिफ आते थे सरकार उनको ना देते उनको गिफ्ट के तौर पे तो जाता था लेकिन विरासत के तौर पर जो गज़वात से जाता था क्या वो नहीं जा सकता था उनको क्या इतना ज़्यादा मेमोरेबल और मोमेंटो सरकार के लिए हर एक काम अल्लाह पाक ने इस दुनिया में मुशव्र क़ुरान फरमाया है क्या अल्लाह पाक सरकार की हस्ती से इस तरह करवा सकते थे कि बाकी तीन बेटियों का हक अदा ना करवाया हो कहाँ दर्ज है किस तरह दर्ज है और नाउज़ुबिल्लास्तफर मुशरिकीन से कभी सरकार उनके वक्त करवाते उनके वक्त कभी मुशरिकीन से हो सकते थे ऐसा कैसा मुमकिन है सरकार ने तो गैरों के लिए कभी मशरकिन से नहीं सोचा सरकार तो मुसलमानों की ही इस्लाम की भी और तमाम लोगों की बुध परस्तों की हर एक कास्ट क्रीड रिलीजन से बाला तर होकर सबकी सलाह करने तशरीफ़ रौनक अफरूज किए गए इस दुनिया में सरकार की एक ही बेटी है सैद आफात मतरा ये कैसे मुमकिन है ये कैसे एक्सपेक्टेड है कि जनाब उन तीनों से जनाब सैद ज़ैनब अगर आप कहते हैं हजरत जैनब हज़रत उम्मलसूम और हजरत रुकैया से कुछ साबित ना हो बायदा उनके लिए सैदा दर्ज है किताबों में यह एक और गलती जब वो बायोलॉजिकल सरकार की बेटी नहीं है तो आपने कैसे उन्हें मुसलत कर दिया सरकार की औलाद में ये तो उससे ज्यादा बड़ी बेद भी है और सरकार के क्रेडिट को डिसएग्री और डिसक्रेडिट करने वाली बात है क्या आप सरकार के क्रेडिट को ना समझें कि सरकार ने यतीमी के तौर पर उनकी सरपरस्ती की है आपने उसको भी माइनस कर दिया और उल्टा बायोलॉजिकली सरकार से एसोसिएट कर दिया बीबी सदा खतीजा से एसोसिएट कर दिया सरकार की एक ही बेटी है क्या अगर जैनब रुकैया में कुसूम अगर बेटी होती तो जिस तरह हज़रत फ़ातिमा के अक्स का मौला अली से जिक्र है कि अल्लाह पाक ने जब को भेजा और अरश पर यह रिश्ता पसंद किया तो मुझे बताइए मुबाहले में सिर्फ बीबी फातिमा क्यों गई बाकी बेटियां क्यों नहीं गई है नबी का घराना है क्या नहीं है जब मुबाहले की आयत आई है तो मुबाहले में एक फातिमा ही क्यों गई हसन और हुसैन मौला क्यों गए बाकी बेटियां क्यों नहीं गईं? नबी का घराना क्यों गया ये नबी का घराना है आप देखें बीबी फातमा के जहेज का किस तरह सरकार ने जिक्र फरमाया है कोई इससे इनकार कर सकता है हजरत अली की जरा और आपके जो आ, जो आर्मर शील्ड थी वो आपने हदीयतन फरोख करवा के उससे मेहर मंगवाया बाकी बेटियों के इस तरह के मेहर का जिक्र क्यों नहीं है ऊँटनी की मुहार पकड़कर सरकार रुक्सत करने गए बीबी सैदा फातमा को सलाम अलैह को बाकी बेटियों को क्यों नहीं सर रुक्सत किया हजरत बीबी फातिमा तो जरा सलाम का घर अपने घर के नज़दीक करवाया हजरत नौमान बिन साबित रजी अल्लाह तुम के पास सबसे ज़्यादा मदीन मकान थे क्यों उन्होंने अपना घर जो था वो सरकार को अपनी उनकी बेटी के लिए गिफ्ट किया ये कैसी बात है सरकार बाकी बेटियों के लिए नहीं कर सकते थे इस तरह की बातें जबरदस्ती एसोसिएट करना मुसलत करना हम तारीख से उलझ जाएंगे इन बच्चों को जो बचपन से घुटियां बगैर किताब के मुल्ला परस्ती में पढ़ा दी गई हैं और उन पर यह बात मुसलत कर दी गई है अब अपने अकीदे को संभालो जो तुम्हारे इस अकीदे से लड़े वो या राफसी है या शिया है या काफ़िर है या मुलद है या तुम्हारे से कोई ताल्लुक़ नहीं ना वो बच्चे पढ़ते हैं ना वो लिखते हैं लेकिन जिस दिन उनकी आंखें खुल गईं अपनी ही किताबों ने खोल दी उनको होश आ जाएगा कि आले रसूल का अहले बैत का हक़ कितना बड़ा है क्योंकि ये बात मैं, तो मैं फिर बता दूं आशिक रसूल का आशिक अहले बैत का कोई फ़िरका नहीं होता वो इन तमाम दुनिया की गिलाजतों से बाला तर होता है ये कोई फ़िरका परस्ती नहीं है ये हुसैनीत है ये नबी का इश्क़ है जो आपको हर रिश्ते से बला तर करता है हर मीनिंग से आपको मुबर्रा करता है हर डेफिनेशन से आपको प्रल्यूट करके प्रोफाउंड करके लेविटेट कर देता है हर दर्जे से बाला तर करके ज़मीन से उठा अर्श पर ले जाता है और यही दर्जा जब आपको इतनी इज्जत बख्शता है तो क़यामत के दिन भी यही दर्जा आपको इज़्ज़त बख्शेगा इनमा यीदुल्लाह बैचर अल्लाह की तो चाहत यही है ए नबी के घर वालों के आपसे हर नजासत को दूर रखे और आपको मकाम तहुरा पर पहुँचा दे वो मकाम जहाँ पर होना आपका हक है जिस तरह मकाम महमूद अल्लाह के नबी का हक है इस तरह नबी के घर वालों का हक उनके घर वालों की इज्जत और वहाँ इजाजत लेकर दाखिल होना ये सब कुरान के फरमदात और इर्शादा हैं कि पाक हमें सोचने समझने की तोफ़ी दे हर फिरके से बाला तर होकर हुसैन बनकर हुसैनी बनकर सोचने की तोफ़ी दे और इमाम ज़माना का जहूर फरमाए बेहक गशानिया का हो वलअर या गाज़ी